खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया मेडिकल मृत्यु सया पर सांसे गिन रही महिला के पति ने की आंखों में आंसू आने वाली दास्ता। गोंदिया महाराष्ट्र में नंबर वन में रहने वाले गोंदिया में 5 दिनों में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वार्ड में सूत्रों के अनुसार बिना डॉक्टर के एक नर्स द्वारा कितने की जान बचा पाएगी। हाल ही में ऑक्सीजन स्टॉक होने के बावजूद मौतें हो रही है। जानबूझकर जो खाजगी हॉस्पिटल में जाने हेतु विवश किया जा रहा है, उन गरीबों के पास लाखों रुपए नहीं है। इलाज के नाम पर लूटने वाले हॉस्पिटल पर कलेक्टर से केटीएस तथा खाजगी दवा खाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है। मरने की कगार पर अनीता सुरेंद्र टेमरे को तुरंत बचाने की मांग उसके पति द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल से की है। जनप्रतिनिधि तो आश्वासन की खैरात बांट कर गरीबों के पास न जाकर हवा में तीर चलाकर सेखी बगाड़ रहे हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। तुमचा नाव सांग, काय नाव आहे? माझं नाव सुरेंद्र फुलचंद टेमरे। कुठे राहता? साले कसा इसनाटोला। हां, काय झालं? माझी पत्नी अनिता टेमरे, ते कोरोनाची पॉझिटिव्ह नाही आहे, पण त्याने पॉझिटिव्ह सिद्ध दिला आहे। पण सर, त्याचं जे ब्लडिंग होणार होतं, ब्लडिंगचा इलाज झाला पाहिजे। त्यावर ब्लडिंगचा इलाज होतो तर माझ्या घरातल्या काय नाही झालं सर, ते फक्त इलाज झाल्याच्या नंतर ते आराम होऊ शकते, पूर्ण आराम। ठीक आहे सर, पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह रिपोर्ट तर नंतर येईलच, निगेटिव्ह येते पण सर ते फक्त आराम झाले पाहिजे सर, गोष्टी होईल त्या माझ्या। तर डॉक्टर लोक चेक वेक करून आले का तिकडे? वरत येतं सर, दोन रात्रभर ना नर्स आहेत ना कोण आहेत सर, काय करणार आम्ही सांगा। पण हालत दुर्दशा खराब आहे सर या केटीएची। मला फक्त एवढं म्हणायचं आहे की तर भाजीला तरी फोन करा, साला एवढा मोठा भाजी आहे मला गोंदिया जिल्ह्याचा, तो भाजी काय करून राहिला भरून राहिला साला मुंबई दिल्लीमध्ये। बस एवढं म्हणायचं आहे सर, बस गोष्ट एक आहे की त्यांना सांगायला भाजीला म्हणावं की गोंदिया जिल्ह्याची दुर्दशा अवस्था चांगली करावा सर, रोजच्या रोज लेडीज दम झाल्या। बस एवढा म्हणून सर, माझे काय म्हणून सर आता मी बस।